आप में से कितने लोगों ने ट्रेलर देखा हुआ है या नहीं। सो पहले हम यहाँ पे स्क्रीन पे गुंजल का ट्रेलर आपको दिखाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेलर देख के आप बड़ा खुश होंगे। तो इसके बाद जब डायरेक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे तो हम श्योर आपके जहन में भी कुछ सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगे। तो भाई ट्रेलर जरा चलाएं, पहले तालियां, ट्रेलर चलाने से पहले तालियां। भाई सुबह में क्या काम करते हो? कुछ अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर साल का सबसे बड़ा केस लगा कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में आई किससे मिल गई? इसने तो कत्ल किया था। कत्ल नहीं होया सी, गलती नाल गोली लगी सी। ते हले साडा काम मुक्या नहीं, सारे मजदूर बच्चे स्कूले पढ़ावांगे। मुझे पता चल गया है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ये सब तो मोहरे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वन साइडेड क्रूसेड, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा बेली सी हो, मैं तो उस दिन उन्हें पहली बार मिल गया सी। लुकवान ना लिया होया सी। सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं डेढ़ डेढ़। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। ये दम घुटता है, लावा उबलता है, किसकी सुनूं कौन। सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा। भाई आपके तालियों के शोर से पता चलना चाहिए आपको कैसा लगा। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होता है यार। बड़ी हैवी हैवी डायलॉग है। ऑन दैट नोट मैं चाहूँगा यार कि आपकी मुलाकात कराऊँ इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ। बड़ी उनकी भी एक मज़े की इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़ा आई एम श्योर उससे मोटिवेशन हासिल करेंगे। तालियां बजाएं ज़ोर से बिकॉज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं डायरेक्टर शोएब सुल्तान। कैसे हैं? थैंक यू। नहीं नहीं, माय एब्सोल्यूट प्लेजर। प्लीज़ हैव अ सीट। आइए बैठें प्लीज़ डायरेक्टर साहब। अच्छा शुएब, मुझे पता चला है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने ऐसी फिल्म, ये क्या सीन है जरा बताएं थोड़ा सा। एक तो मेरा वैसे बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई एम लाइक, मैं अपने प्रोफेशनल को भी उसी तरह पैशनेटली फॉलो कर रहा हूँ जिस तरह अपने पैशन को कर रहा हूँ। सो मैंने थिएटर किया 15-20 साल, एसोसिएटेड विद अजोका फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मदीहा गौहर साहिबा ने मेंटोर किया है मुझे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और हमेशा से था कि फिल्म एक मीडियम है जिसको मैं हमेशा से टच करना चाहता हूँ। मेरा कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, आई एम सेल्फ टॉट। आई नेवर स्टडीड, आई एम सेल्फ टॉट। कंटेंट देखता हूँ बहुत ज़्यादा, शायद बहुत पढ़ता हूँ, किताबें खुद से पढ़ता हूँ, काम बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ। फिर थिएटर का मेरा ख्याल एक्सपीरियंस, जिस तरह कहते हैं कि थिएटर इज़ मदर ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो वो मेरा ख्याल है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसने बहुत ज़्यादा। और मेरा पैशन जो कि मैं, मेरा ख्याल मैंने 30 साल ये ड्रीम देखा है कि मैं कभी फिल्म बना सकूँ, और उस ड्रीम को मैंने कैरी किया है और उसको पैशन के साथ कैरी किया है। सो आई मेड 2 short films back to back. It happened accidentally, very accidentally, and then ये फिल्म भी उसी तरह ही उसकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई और अब हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तालियां बनती हैं भाई इस बात पे भी। अच्छा एवं